नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल जय महाकाल आयुर्वेद। आज ये आँखों का आंजन बन रहा है। आज नवरात्र गुप्त की प्रारंभ प्रथम दिन है। ये हम जो भी चीज़ बनाते हैं मुहूर्त देख कर ही बनाते हैं, माँ का आशीर्वाद रहे इसलिए आँखों का आंजन बना रहे हैं। ये बनता है कम से कम 2-3 साल पुराना गाय का घी हो, जो हम जंगल से एकत्र कराते हैं, फिर उसको रख देते हैं। तो गाय जो जड़ी बूटी खाती है जंगल में, बहुत सारा उसका गुण दूध में आ जाता है। फिर वो जो घी रहता है उससे जब बनता है तो उसमें बहुत सारा गुण आ जाते हैं। वैसे भी गाय का घी अगर आँख में लगाया जाए, पुराना शहद, तो बहुत सारी समस्याएं आँखों की ख़त्म हो जाती है। आँख शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मित्रों, आप सब जानते हैं। तो उसके लिए ये कम से कम 3 साल से पुराना घी नहीं होना चाहिए। उसमें फिर ये जड़ी बूटी डाल के इस तरह से धीमी आंच में पकता है। जड़ी बूटी मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसमें सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ रहेगी, आपका ये जो दिख रही है आपको बड़ी बड़ी फल्ली, ये फल्ली जो है ये गरुड़ फली की है। गरुड़ फली जैसे गरुड़ जैसी आँख हो जाए, इसलिए गरुड़ फली के बीज, गरुड़ फली, ममीरा सफ़ेद, ममीरा पीला, जो हिमालय में मिलेगा या नहीं मिलता। ममीरा को लाने के लिए आजकल देख रहा है हिमालय दरक रहा है तो बड़ा मुश्किल हो गया, नहीं तो पहले बड़ा आसानी से ममीरा मिल जाता था। ममीरा आँख की बेहतरीन औषधियों में एक है। फिर इसमें सफ़ेद पलाश के पुष्प और सफ़ेद पलाश का पंचांग भी डाला जाता है। सफ़ेद पलाश से आँखों का आंजन बहुत ही बढ़िया बनता है मित्रों, आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। और ये जो सफ़ेद पुनर्नवा है, इसकी जड़ किसी भी प्रकार का आँखों का फूला हो या आँख से ढलका बहना, जिसको फूला मतलब आँख फूल गई हो एक तरफ से, और आँखों से ढलका बहता हो, ढलका यानी पानी हमेशा बहता रहता हो, दृष्टि कमज़ोर हो गई हो। आजकल बच्चों की दृष्टियाँ बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही हैं, तो ये गाय के घी में बना हुआ अगर पुनर्नवा और ये सब चीज़ें डाल के हम गाय के घी में आप बना लें तो इसको आंजन बोलते हैं। इसको आंजना पड़ता है, आंजन जैसे काजल लगाते हैं ना आँख में, ऐसा रात को लगाते हैं सवेरे शाम। और इसमें जब ये बन जाएगा तो थोड़ा सा सूर्य तापन विधि से निकला हुआ ज्योतिषमती का तेल मिलाया जाता है, तो ये और बढ़िया हो जाता है। अगर इसका प्रयोग करते रहे तो जैसा देखते हैं हम आँखों में जाला आ जाता है, उसको ये आने नहीं देगा। अगर आ भी गया है तो उसको काट देगा। मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, उसको भी ये बनने ही नहीं देगा। और अगर बन रहा है और प्रारंभिक अवस्था में है या शुरुआती अवस्था में है तो इसको ये जड़ मूल से नष्ट कर देता है। ये वो आंजन है आँखों का। आज नवरात्र में मित्रों इसको हम, ये लकड़ी का है हमारा चमचा, इसी से चलाते हैं और धीमी आँच में ये पकता रहेगा कम से कम 5-6 घंटा। इसमें दिक्कत क्या आती है मित्रों, पुराना गाय का घी जन उड़ता बहुत है। आप 2 किलो लेंगे तो कम से कम 1.25 किलो गाय का घी तो जड़ी बूटी में उड़ जाएगा। कुछ जड़ी बूटियाँ पी लेंगी, मुश्किल से 0.5 किलो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सब जड़ी बूटी पी लेती है, उनसे निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है और कुछ उड़ जाता है हवा में। गाय का घी योगवाही होता है मित्रों। योगवाही मतलब जड़ी बूटियों को अपने में समाहित कर लेता है। घी वैसे भी दिव्य चीज़ है और जब इसको जड़ी बूटियों में इस तरह से पकाया जाता है, इसमें कसौंदी के पुष्प भी डाले जाते हैं, पीली कसौंदी के पुष्प, पात कसौंदी विसारे, फूल रतौंदी जाए, जिनको रात को नहीं दिखता ना, रतौंदी रोग के भी ये बहुत दिव्य औषधि बन रही है। रात को कम दिखेगा, दिखना बंद हो जाएगा, खास करके जो मधुमेह के रोगी हैं उनको इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, तो फिर आँखों की दृष्टि ख़त्म नहीं होती, आँखों में जो दिखना कम हो जाता है उनको ये ख़त्म नहीं होती। इसी प्रकार से इसका एक और प्रयोग है, क्योंकि इसमें सफ़ेद पुष्प और गरुड़ फली है तो इसको माथे पर, आज्ञा चक्र पर भी लगाते हैं और नाभि पर भी लगाते हैं, उससे भी हमारा आज्ञा चक्र जो है एक्टिव होता है, संचालित होता है। तो हमको जो दूसरे
कुदष्ट हमारे ऊपर दिन भर डालते हैं उससे भी हमारा बचाव होता है। और नाभि पर अगर इसकी मालिश करो तो आपको बहुत सारे रोग वैसे ही नहीं होंगे। उसके लिए आज हमने इसको निर्माण किया जा रहा है। यह नाम तो इसका आँखों का आंजन है, मगर इसको आज्ञा चक्र पे भी और नाभि पर भी लगा के मालिश करते रहो तो बहुत सारे रोग, क्योंकि नाभि से ही आपकी सबसे ज़्यादा नाड़ियाँ जाती हैं, संचालित होती हैं। और गाय का घी और सफ़ेद पुनर्नवा और सफ़ेद पलाश का पुष्प और सफ़ेद पलाश की जड़ जब इसमें डली हुई है तो नाभि पे इसको लगा के रात को सोते टाइम अगर मालिश कर लें तो समस्त नाड़ियों का शोधन हो जाता है और हमारी याददाश्त बढ़ेगी, क्रोध हमारा ख़त्म हो जाएगा और दिव्यता हमें आना शुरू हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल आयुर्वेद। आज मैं इसको बना रहा था तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सोचा ये देखिए सब पड़ी हुई हैं जड़ी बूटियाँ, अब ये पक रही हैं। बता इसलिए देता हूँ मित्रों, आजकल गड़बड़ी का समय आ गया है, लोग झूठ बोलते हैं। हम जो कुछ बनाएंगे आपको दिखा देंगे, आज हमारा बन के तैयार हो जाएगा, शाम को इसको छान के हम शीशियों में भर देंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये सब पक रहा है, मैं थोड़ा आपको पास से और दिखा दूँ जड़ी बूटियाँ, ये देखें सब जड़ी बूटियाँ इसमें डली हुई है और इस तरह से ये पकता है धीरे आँच में। बिल्कुल घी जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, दोनों चीज़ें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखिए, सबको बताइए ताकि इसका उपयोग करके बच्चों की आँखों खराब ना हो, याददाश्त बढ़े और स्वस्थ रहे। नमस्कार।